हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 3 ऑफ क्लास 5th, अर्थ रॉक्स एंड मिनरल। इन दिस यूनिट वी विल लर्न डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, रॉक एंड देयर यूजेस, रॉक साइकिल एंड मिनरल्स देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टी। दीज आर द लेयर्स ऑफ अर्थ। देखिए, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो क्या है, क्रस्ट, और उससे नेक्स्ट लेयर है मेंटल, एंड थर्ड वन इज आउटर कोर, एंड इनर लेयर ऑफ द अर्थ इज इनर कोर। दीज आर द फोर लेयर ऑफ द अर्थ। देखिए, वी नो दैट द अर्थ इज लाइक ए राउंड बॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो एक राउंड बॉल की तरह है, और इसके ऊपर बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि रिवर, लेक्स एंड ओशियंस। ये सब वाटर बॉडीज हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, और अर्थ पे हमें सोयल भी देखने को मिलती है, जो क्या करती है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। बट वी सी इन ओनली द सरफेस ऑफ टॉप लेयर। बट हम क्या करते हैं, ओनली अर्थ की टॉप लेयर को ही देख सकते हैं, और इनर लेयर को हम लोग नहीं देख सकते। Have you wondered that is below the surface of the earth? आपको ये देखकर हैरानी होगी कि अर्थ सरफेस के नीचे क्या है। Inside the earth has different layer। जो अर्थ है उसके अंदर different type of layers है, similar to an onion or a boiled egg। जिस तरह onion के अंदर एक लेयर को हम उतार देते हैं तो उसके बाद डिफरेंट लेयर आ जाती है, और नेक्स्ट को उतार दें उसके बाद डिफरेंट लेयर आ जाती है। ऐसे ही जो हमारी अर्थ है उसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं, और बॉयल्ड एग में भी क्या होती है, डिफरेंट लेयर होती है, जैसा कि हमारी अर्थ में है। ईच लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ ए डिफरेंट थिकनेस। जो अर्थ है उसकी हर एक लेयर जो है उनकी थिकनेस डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जो फोर लेयर्स हैं वो सभी सेम थिकनेस की हों। देखिए, जो आउटर लेयर है उसकी थिकनेस सबसे कम है, एंड जो नेक्स्ट लेयर है उसकी थिकनेस और थर्ड लेयर की थिकनेस अप्रोक्सीमेट सेम है, बट जो फोर्थ लेयर है वो क्या है, थोड़ी स्मॉल और ज्यादा लार्ज है। दीज आर थ्री लेयर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, थ्री लेयर्स हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ के अंडरलाई करती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के टू पार्ट हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। प्रॉपर्टी ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ। जो फोर लेयर हैं अर्थ की उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट। जो सबसे बाहर वाली लेयर है अर्थ की वो क्या है, क्रस्ट। इट हैज माउंटेन। जो अर्थ है उस पे माउंटेन प्रेजेंट है, प्लेन्स या फिर ओशियंस और प्लांट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पूरी लाइव स्पॉट्स होती है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम लोग लाइव नहीं रह सकते। अगर ओशियंस नहीं होंगे, हम लोगों को वाटर नहीं मिलेगा, तब भी हम लाइव नहीं रह सकते। मीन्स हमारी लाइफ के लिए क्या है, अर्थ की अपर लेयर का होना जरूरी है। तो अपर मोस्ट जो लेयर है क्रस्ट, वो क्या है, यूजफुल लेयर। जो क्रस्ट है वो हार्ड है, और किससे बनता है, मेड ऑफ मैनी प्लेट्स दैट ज्वाइन टुगेदर। अगर हम बहुत सारी प्लेट को ज्वाइन कर दें साथ में, तो जो हमें दिखेगा उस तरह से क्या होती है, क्रस्ट की शेप होती है। एज कम्पेयर टू द अदर लेयर इट इज वेरी थिन। अगर हम दूसरी लेयर से इसको कंपेयर करें तो जो अपर लेयर है क्रस्ट, वो क्या है, बहुत ज्यादा थिन है। इट एक्सटेंड टू अबाउट 30 किलोमीटर to 50 किलोमीटर अंडर द सोइल। देखिए, जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो अपर लेयर है वो प्रेजेंट है, एंड 6 किलोमीटर to 15 किलोमीटर अंडर द ओशियंस। सोयल में 30 किलोमीटर to 50 किलोमीटर प्रेजेंट है, और ओशियंस में 6 किलोमीटर to 15 किलोमीटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेयर है मेंटल। देखिए, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इन द मेंटल। मीन्स जो सबसे बड़ी लेयर है वो कौन सी है, मेंटल। नियर द क्रस्ट इट इज वेरी हार्ड, बट एज वी गो डीपर। देखिए, जो क्रस्ट के पास है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर हम डीप और ज्यादा डीपर जाएंगे तो इसके अंदर हॉट लिक्विड प्रेजेंट है।
दिस हॉट लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। इस हॉट लिक्विड को हम मैग्मा बोलेंगे। एंड इट्स टेम्परेचर, और इसका जो टेम्परेचर है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होगा। द मेंटल स्टार्ट फ्रॉम 15 किलोमीटर डेप्थ एंड गोज डाउन टू 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जैसा कि हमने देखा था कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ओनली 30 किलोमीटर, बट जो मेंटल है उसकी थिकनेस 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है, जो क्रस्ट से नीचे लाई करेगा। और जो मेंटल है वो क्या है, सबसे ज्यादा थिकनेस वाली लेयर। नेक्स्ट लेयर क्या है, हमारी कोर। कोर के टू पार्ट्स हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो कोर है वो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की। इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये क्या है, हॉट है, हॉट लेयर है, और इसी क्या है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में क्या है, दिस इज द पार्ट नियर द मेंटल। ये क्या है, मेंटल के नियर का पार्ट है, मीन्स थर्ड लेयर। और इसकी जो थिकनेस है वो 2200 किलोमीटर है। और इसमें क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, जो क्या है, बहुत ज्यादा हॉट है, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। नेक्स्ट लेयर है इनर कोर। इनर कोर इज अ हॉट सॉलिड बॉल्स। इनर कोर में क्या है, हॉट सॉलिड बॉल्स प्रेजेंट है, जो आउटर कोर के अंदर है। इट हैज अ थिकनेस, और इनकी जो थिकनेस है वो 1250 किलोमीटर है। और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। अगर हम पूछें कि हॉटेस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट क्या है, तो क्या है, इनर कोर, मीन्स अर्थ की सबसे जो हॉटेस्ट लेयर है वो क्या है, इनर कोर, जिसका टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमने देखा था कि मेंटल का टेम्परेचर कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस, और जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, और इनर कोर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा लेयर ऑफ अर्थ कंप्लीट हुआ। हमने फोर लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया, क्रस्ट, मेंटल, कोर मींस आउटर कोर एंड इनर कोर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स। देखिए, द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ आर मेड अप ऑफ सॉलिड कॉल्ड रॉक्स। जो सॉलिड लेयर है अर्थ की वो बहुत सारे सॉलिड से बनी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलेंगे। अगर हम सोयल को डिग करते हैं प्लेग्राउंड में एंड कीप डिगिंग, और अगर हम उसे खोदते रहें, तो यू विल सून हिट समथिंग हार्ड, दिस इज रॉक। अगर हम उसको डिग करते रहेंगे, बहुत डीपली कर लेंगे, तो नीचे हमें कुछ पत्थर दिखाई देंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलेंगे, मीन्स हार्ड, कुछ हार्ड दिखाई देगा जो क्या है, रॉक्स हैं। यू कैन सी रॉक्स ऑल अराउंड यू। हम हमारे चारों ओर रॉक्स को देख सकते हैं। द बिग बोल्डर्स ऑन हिल एंड माउंटेन। माउंटेन और हिल पे हमें रॉक्स दिखाई देते हैं। द फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड एट द बीच, बीच पे हमें दिखाई देते हैं। द स्मॉल स्टोन ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो भी क्या है, रॉक्स के एग्जाम्पल। इवन द सॉल्ट वी एड टू आवर फूड इज अ रॉक, मीन्स जो हमारे फूड में सॉल्ट एड करते हैं वो भी क्या है, रॉक का एक एग्जाम्पल है। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। मतलब अगर हम देखें तो अर्थ की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रॉक से बनी हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स टेक ए लॉन्ग टाइम एंड द रॉक्स दैट वी सी अराउंड अस मे हैव बीन फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। मीन्स जो रॉक की फॉर्मेशन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, और जो हमारे चारों ओर हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं उन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए। नेक्स्ट क्या है, यूजेज ऑफ रॉक्स। एक यूज आज हम डिस्कस करेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मीन्स पुराने टाइम में क्या था। देखिए, ह्यूमन बींग यूज रॉक फॉर डिफरेंट पर्पज। जो ह्यूमन बींग थे वो रॉक का यूज डिफरेंट पर्पज के लिए करते थे। अर्लीस्ट टाइम में जो लोग हैं वो स्टोन का यूज किस लिए करते थे, आग जलाने के लिए भी वो क्या करते थे, स्टोन का यूज करते थे। वो क्या करते थे, दो स्टोन को आपस में रब करते थे, जिससे क्या होता था, उसमें आग पैदा होती थी।
इन फैक्ट द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड स्टोन एज। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द यूज है वो उस टाइम स्टोन ही यूज किया जाता था। देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन यूज इन द स्टोन एज, मीन्स स्टोन एज जो है उस टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन यूज किए जाते थे। फर्स्ट है, हैमर स्टोन वर यूज एज ए हैमर टू बीट ऑन द सर्फेस, मीन्स हैमर के लिए भी, अब देखिए हम हथौड़े का यूज करते हैं, बट उस टाइम पर कोई हथौड़ा नहीं था, उस टाइम पे किसका, पत्थर का ही यूज किया जाता था किसी दूसरे सरफेस पे बीट करने के लिए। सेकंड है, शार्प स्टोन वर कार्व आउट फ्रॉम डिग स्टोन्स एंड यूज टू हंट और किल, मीन्स जो स्टोन है, जो शार्प स्टोन होते थे उनका यूज शिकार करने के लिए किया जाता था लाइक दिस। नेक्स्ट है, फ्लिंट स्टोन्स वर यूज टू लाइट फायर एंड कुक फूड, जो फ्लिंट स्टोन होते थे उनका यूज किया जाता था फायर जलाने के लिए और फूड को कुक करने के लिए। ये था प्री हिस्टोरिक टाइम में किस तरह से रॉक को यूज किया जाता था। और नेक्स्ट है हमारा SR3, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।